अब मैं आ गई घर पर, भाई हमारे नीचे चल रहा है काम और मैं जा रही हूँ। पर गाइस हम लोगों ने काफी कुछ खा लिया और ये देखो हमारे बुलेंशर में। तो गाइस मुझे ना मलाई पूड़ी बहुत पसंद है, मैं लेके। तो राधे राधे सभी भाइयों को वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं जा रही हूँ कॉलेज और विदाउट बैग। और यार आज मेरा आई कार्ड नहीं मिला, मुझे इस बात की बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, मैं कहाँ रख के भूल गई। कल मैंने वो निकाला था, निकालने के बाद मुझे याद नहीं रहा कि वो मैंने कहाँ रख दिया है। और मैं आज क्यों जा रही हूँ प्रैक्टिकल देने, आप पता नहीं एबसेंट लगा दिया मेरी, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं गई तो थी, फिर भी पता नहीं एबसेंट क्यों लग गई, क्योंकि मेरा पहले प्रैक्टिकल हो चुका है। और यार अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है कॉलेज में, क्या नहीं हो रहा। मुझे सच्चे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई मैं जब से मेरी एबसेंट लगी है ना। मैं एक यार मैं गई थी, मुझे अच्छे से पता है अभी, और मेरी फाइल भी डिपॉजिट होगी, फिर भी पता नहीं बुलाया। देखते हैं क्या करवाएंगे, मतलब फिर से प्रैक्टिकल कैसा होगा। पहले तो करी आई भाई, जैसा भी करना होता अब फिर देना पड़ेगा। और मेरे पास ना सच में तो पेन भी लेके नहीं जा रही हूँ मैं। सो गाइज मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बालों को कैसे कंट्रोल करूं, ये भी सेट नहीं हुआ है जब से मैंने कटिंग कराई है ना। और मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूं कि मैं इन्हें कैसे सेट करूं। हाँ और आज तो भाई कुछ ज़्यादा ही निकल निकल के भाग रहे हैं मेरे सिर में से, और मुझे कॉलेज जाना है, क्लिप्स भी लगा रखी हैं तब भी। अब मुझे हेयर बैंड बाय करना पड़ेगा, उससे ही रुक सकते हैं। मैं ना करेक्ट 8:30 के बाद उठी हूँ, ठीक है, एक घंटे का काम है कॉलेज में। अभी मुँह धो के कॉलेज जा रही हूँ, आके बाथरूमगी, देन उसके बाद में जूस चाय वाय जो भी पीना है वो पीऊँगी। यार वैसे मैं चाय अवॉइड कर दूँगी क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ ना, और चाय बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसलिए अब मैं पहले जूस ही पीऊँगी। क्योंकि क्या यार चाय पीनी, मैं सच्ची में बहुत चाय पीने लगी थी, तो चाय को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और देखते हैं अगर जूस वाले भैया होंगे तो अभी जूस पीते हैं। बस यार मुझे आई कार्ड के लिए डांटना पड़ा, मुझे बहुत डर है क्योंकि मेरे पास आई कार्ड नहीं है, और आई कार्ड के बिना तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। मुझे डर लग रहा है यार, आई कार्ड पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ मैं, मिल ही नहीं रहा था, दिमाग ख़राब हो रहा है। कॉलेज आज बहुत दिन में आई हूँ तो। सो गाइज अब मैं कॉलेज से निकल गई हूँ और वो खड़ी हूँ मेरी कार। भाई धूप अच्छी खासी हो रही है यार, वैसे इतनी सी देर के लिए ना नींद खराब करी, शाम को ही बुला लेते सब तो अच्छा। और आज मुझे बुलेंदशहर भी जाना है, और मैं स्वैग देखो कैसे सिर पे हाथ रख के चल रही हूँ, ये वैसे सही है यार। अब पूरी गर्मी ना मैं ऐसे ही चलूँगी धूप में यार, और कैसे चलूँगी, या फिर एक छाता लेके चलूँगी। ओहो पोज दे रहे हैं, और गाड़ी पे फोटो क्लिक कराने के पैसे लगते हैं मेरे पे। आए हाय ये क्या फंस गया। घर आ गए और अब देखते हैं भैया को उठाना है जाके सबसे पहले, क्योंकि आज हमें निकलना है बुलेंदशहर, मम्मी बुला रही है, कुछ काम है घर पे इस वजह से। और यार काफ़ी दिनों से मैं घर पे गई भी नहीं हूँ, तो इसलिए घर पे जाना है। और भाई आज माँ के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, बहुत दिन हो गए, बहुत ज़्यादा ही दिन। मैं सुबह से ना अभी 10:30 बज रहे हैं, चाय वाय कुछ भी नहीं पिया, सबसे पहले वही सब पीना है जाके। पहले सोच रही थी ये कहीं बाहर पी के आऊँगी, फिर मैं मन नहीं करा। सो गाइस कॉलेज से आने के बाद और मैं 2:30 बजे तक सोई, और 2:30 बजे तक सोने के बाद ना देखो पहले तो ये सारे क्लोथ सुखा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे ना यहाँ पे शीट लग गई है तो अब स्पेस नहीं बचा इसलिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब बहुत सारे एक साथ कपड़े धुले थे। अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास बुलेंदशहर, और मम्मी के बार बार फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, मुझसे ज़्यादा इस बार मम्मी एक्साइटेड है मुझे मतलब बुलाने के लिए। तो भैया गए मेरी मौसी को लेने, बस मेरी मौसी आ रही हैं और फिर हम दोनों बहन नीचे चले जाएंगे। सो गाइस मैंने एक बैग टांग लिया और इसमें ना मम्मी के कपड़े हैं, ठीक है, ये ऐसा मत सोचना कि पोर्ट लिया ही, इस तरीके का बैग है। और इसमें मैंने मलाई जोड़ रखी है, भैया को प्यास लग रही थी पानी है। अब वो दोनों आ जाएंगे तो हम अपना सामान जल्दी से गाड़ी में शिफ्ट करके और बैठ जाएंगे। कपड़े मैं अपने लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि कपड़े मेरे बुलेंदशहर ही होंगे, और नहीं तो थोड़े बहुत कोई ना कोई मम्मी के भी होंगे वो पहन लूँगी। तो गाइज अब मैं आ गई घर पर, भाई हमारे नीचे चल रहा है काम, और मैं जा रही हूँ पर अपनी मम्मी के पास में। मैं जरा कार से उतर के ना और फिर अपनी बुआ से मिलने चली गई थी, और भाई मेरी बुआ ने मुझे रुला के भेजा है, इमोशनल हो गई मैं देख के वो, कोई ना। हाँ बोलो
मम्मी लो नींबू ले आई। ठीक है, हेलो करो आप। हेलो, ऐसा कह रही है, बड़ी बीमार हो। अरे बीमार ना हूँ और क्या हूँ। कैसी है? सो गाइज, अब मैं जा रही हूँ कहीं बाहर काम से, और देखो मेरी स्कूटी कितनी गंदी हो रही है यार, इसकी गद्दी भी फट रही है। अब भैया को मुझे एक नई स्कूटी दिला ही देनी चाहिए, जिस बारे में वो सोच नहीं रहे हैं। मेरे पास अब एक नई स्कूटी तो होनी चाहिए ना। अब मुझे इसकी पहले ये नहीं पता इसमें तेल वेल है या नहीं। एक काम करती हूँ, ये बैग ना, ये बैग वहीं जाके रखूँगी, इसे पहले साफ़ कर लेती हूँ। ये देखो, ये लो भैया, साफ़ हो गई मेरी स्कूटी। बहुत बहुत गंदी हो रही थी, जैसे कहते हैं ना, हद से ज़्यादा गंदी। देखो इसका नंबर पढ़ो, 506। और ये खड़ी है हमारी स्विफ्ट, और ये रहा मेरा घर। तो आ गई भाई, और अब वापस से जाना है, मेरी बहन और मैं जाएंगे अब घूमने। और यार मेरे से ना सामान ही लूट रहा है, सब्जियाँ लेके आई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत यार आलू वगैरह लाने थे, और थोड़ा दिवाली का भी, दिवाली कह रही हूँ, मेरे मुँह से ना होली पे तो निकलेगी दिवाली, और दिवाली पे निकलेगी होली। हाँ, होली का सामान इकट्ठा करा है, क्योंकि उस टाइम आएंगे तो मैं लेट आऊँगी, टाइम वाइम होगा नहीं ज़्यादा, और फेस्टिवल पे मार्केट में वैसे बहुत भीड़ रहती है। मम्मी मम्मी आ गई आपकी बेटी। गाइस देखो, मेरी मौसी आई है, मैं मौसी को दिखाती हूँ। मौसी को जरूर दिखा। ये देखो गाइस, ये मेरी मौसी आई हुई है, और मेरी मम्मी और मौसी दोनों ही बैठ के बातें कर रही हैं। तो इसका बंद करी, मैं तो मौसी कह रही हूँ, तुम नंदी में मतलब ना सोच। सो गाइस, मेरी मम्मी कह रही है इन्हें मेरे आने से डर लग रहा है। हाँ हाँ, क्या 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 जो भी मेरे घर में से गायब होगा तुम्हारा नाम ले दियो, ले दियो, ले दियो, ले दियो। हम गेट खोल खोल के आ रहे हैं बार बार नीचे से, क्योंकि नीचे चल रहा है काम, इस वजह से। अब मम्मी कह रही है कुछ भी चोरी हो गया तो मम्मी हमारा नाम लेगी, हमने भी कह दिया दिल ठोक के कि ले देना किसके भी लो नाम। अब मैं नीचे से गेट लगा के जाऊंगी, फिर आएंगी मम्मी। तो यार खोलने लॉक लगा दूं, क्या करूं। गाइस हम लोगों ने काफी कुछ खा लिया, और ये देखो हमारे बुलंदशहर में मिल चुका है पिज्जा, और ये हमारी फेमस डीएम रोड दीदी, ये है डीएम रोड, ठीक है। इसके ऊपर बहुत शेर व शायरी बनी हुई है, इसे ही काले अंक कहते हैं। ये यहाँ पे लाइट वाइट नहीं चल रही है आज, मतलब इसमें लाइट चलती है। देखो ये जगह आप देख सकते हैं भाई, बस हमारे मैया के दर्शन हो गए। अब भाई मतलब हमारे ही दर्शन कर लो, क्योंकि मैं आपको मैया के दर्शन नहीं करवा पाई इस वजह से, बट मेरे दर्शन हो गए। मुझे बहुत डर था जब अभी आई ना कि कहीं ऐसा ना हो बंद हो गया, तो बहुत बहुत दिन में आई ना, ये मेरी गलती है। अब मैं रेगुलर आया करूँगी जब भी बुलंदशहर आऊँगी, पर मैं आज बहुत दिन में आई, ये मेरी गलत बात है। और ये हमारा सिद्ध पीठ श्री महाकाली जी मंदिर। आज हमने यहाँ पे ललित के गोलगप्पे ले लिया, जाओ मुड़ो भाई साहब। जितनी पूरे शहर में भीड़ होती है ना, उतनी इस बंदे पे अकेले पे, देखा तुमने ये बात। अब घर जाके खाना टेस्ट करके बताना कैसे हैं। गाइस हम घूम फिर के घर आ गए, और दीदी आपको मेरे के दर्शन कैसे हुए? अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके उधर भी होते हैं काली के मंदिर होते हैं? अच्छा, तो गाइस मम्मी नीचे से गेट लगा गई हैं, नहीं हमने लगाया था, हम लगा गए थे। अब वो मैंने ऐसे लगाया था कि मैं आके खोल लूँ, वो खुल नहीं पा रहा है, तो मम्मी को परेशान कर रहा है। मम्मी आ रही है ऊपर से नीचे अब। तो गाइस मुझे ना मलाई पूड़ी बहुत पसंद है, मैं लेके आई थी। मम्मी आपको गर्म करनी आती है? क्यों ना आती बेटा, अरे अभी तो आप ये कह रहे थे कैसे करूँ। अच्छा ऐसे नहीं मम्मा, इसे ना ऐसा करो जो छोटे पत्ते को, उसमें बाद में दूध पिला दो कटोरे में। इसलिए तो मैं ऐसा कर रही हूँ। हाँ। लो आप पकड़ो, मैं करती हूँ, पकड़ो कैमरे को, बस वेरी गुड। सो गाइस मैं थोड़ी सी लाई थी, क्योंकि पता नहीं यार कोई खाए घर में या नहीं खाए, तो इस वजह थोड़ी चीज भी कभी कभी आती है ना तो अच्छी लगती है। मैं गर्म करके इसे जब खाऊंगी, अब जब मेरा छोटा भैया आएगा ना तब जरूर मंगाऊंगी, मेरे छोटे भैया को बहुत पसंद है। मम्मा मुझे छोटे भैया की याद आती है, बस अच्छा। क्या कहूँ तो, अब चार पांच दिन ही है बस आने, ज्यादा दिन थोड़ी ना है। जल्दी से अम्मा मम्मी उन्हें भेजना मत। अच्छा हाँ।
मैं नहीं रहूँगा वरना आपके पास। मतलब हमारा जो ऊपर अभी घर में वर्क चल रहा है ना, जो स्टोर रूम है उसमें बैठ के मैं अपनी चेयर पे कम्बल रख के और भाई पढ़ाई कर रही थी। अब मेरी पढ़ाई हो गई कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ नीचे सोने क्योंकि बहुत रात हो गई है। ठीक है, तो गाइज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और ऐसे प्यार बनाए रखो। मिलते हैं कल नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर।